ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए लिखा है कहानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन ऐसे भारत के महान योद्धा जिनको अंग्रेजी सरकार ने 23 मार्च को फांसी दे दी। बड़े दुखद बात है कि जिन पीढ़ियों के लिए उन्होंने अपनी जीवन कुर्बान किया, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, वो पीढ़ी धीरे धीरे उनको भूलता जा रहा है। लेकिन आप उन्हें ना भूल पाए, इसलिए वतन की आवाज़ की एक छोटी सी कोशिश, आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, ताकि आप उन्हें याद रख सकें। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपने बच्चे को दिखाइएगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी उन शहीद क्रांतिकारी देश के महान सपूत के लिए प्रेरणा, थोड़ा भी इज्जत, थोड़ा भी सम्मान है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अपने बच्चे को जरूर दिखाइएगा। शहीद भगत सिंह का जन्म, और शहीद भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को फैसलाबाद में हुआ, लायलपुर जो पाकिस्तान में स्थित है के गांव बंगा में हुआ था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे, सिर्फ 23 साल की उम्र में, उनके साथ ही राजगुरु सुखदेव के साथ लाहौर जेल में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने और अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में यह सजा दी गई थी। कहा जाता है कि दुनिया का यह पहला ऐसा मामला था जब किसी को सामने फांसी दी गई, वो भी तय तारीख से एक दिन पहले। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कुछ लिखा, कुछ मन की बातें किया, जो दो चार पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से आने वाले पीढ़ियों के लिए संजोया। उन्होंने लिखा, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, मेरा धर्म देश की सेवा करना है। तीसरा उन्होंने कहा, प्रेमी पागल और कभी एक ही चीज से बने होते हैं। चौथा उन्होंने कहा, देशभक्तों को लोग अक्सर पागल कहा करते हैं। सूर्य विश्व के हर किसी देश पर उज्जवल होकर गुजरता है, परंतु उस समय ऐसा कोई देश नहीं होगा जो भारत देश के समान इतना स्वतंत्र, इतना खुशहाल, इतना प्यारा हो। ये भगत सिंह ने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सपने संजोए थे, जो पीढ़ियां उनको भूलती जा रही। उन्होंने आगे लिखा, यह काल्पनिक आदर्श है कि आप किसी भी कीमत पर अपने बल का प्रयोग नहीं करते। नया आंदोलन जो हमारे देश में आरंभ हुआ है और जिसकी शुरुआत की हम चेतावनी दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज, कमल पासा और राज खन्ना, वाशिंगटन और गैरी बल्डी, लपेटे और लेनिन के आदर्शों से प्रेरित। जन्म और शहादत दोनों की ही पाकिस्तान में, ये दिलचस्प बात ये है कि भगत सिंह का जन्म और शहादत दोनों ही वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ, इसलिए वहाँ के लोग भी आज के दिन उन्हें मान सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देते हैं। बता दें कि पाकिस्तान में इनकी याद में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन का भी निर्माण किया गया है, जिसके प्रमुख अभी इम्तियाज रशीद कुरैशी हैं। यह फाउंडेशन हर साल वहाँ शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करता है। आपको बताना जरूरी है कि भगत सिंह अपने बचपन काल में नाटकों में भी काम किया करते थे। 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाटक, महाराणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त
और भारत की दुर्दशा में हिस्सा लिया था। उन लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए, इसके अलावा भगत सिंह रूस की बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता लेनिन के क्रांतिकारी के साथ एक अच्छे विचारक थे। भगत सिंह महान विचारक क्रांतिकारी होने के साथ साथ अच्छे विचारक भी थे। उन्होंने लाहौर की सेंट्रल जेल में ही अपना बहुचर्चित निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा था। इस निबंध में उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति, समाज में फैली असमानताओं, गरीबी और शोषण के मुद्दे पर तीखे सवाल उठाए थे।